अभी हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेने से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ वीडियो का, जिस वीडियो में मैंने बताया कि आप कैसे काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं बिना वाटरमार्क के। तो जाके मेरे वीडियो को देख लीजिएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हमारी स्टेटस को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और 9:16 का आपको रेशियो लेना है। तो सबसे पहले बता दूं गाइस कि ये जो स्टेटस है नवरात्रि कमिंग सोन वाला, ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो इस तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा कि आप कैसे इस तरीके का स्टेटस बना सकते हैं। और गाइस आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप इसे अपलोड करते हैं तो आपको अच्छे खासे इस पर लाइक मिल सकते हैं। तो आप बात कर तो गाइस चलिए अब आपको सिखाते हैं कि आप कैसे इस तरीके का स्टेटस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको वो आपको पिक ले लेना है, जो कि ये दुर्गा माँ का जो पिक है PNG, उसे आपको ले लेना है। दो PNG आपको ले लेना है। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ और उसके बाद और एक PNG लेता हूँ जो कि ये है। तो गाइस इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने कुछ भी मटेरियल यूज किया इस स्टेटस में, तो उस सारा मतलब ये सारे मटेरियल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपका तो ये फोटो आ चुका है, PNG आ चुका है। तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस फोटो के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपने फोटो को थोड़ा जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है और इसे स्क्रीन पर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और इस आपको इक्वल वाले आइकन में आपको क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। तो आपका पहला फोटो हो गया सिलेक्ट। अब आपको अपना दूसरा फोटो जो है इस पर आपको क्लिक करना है, उसी तरीके से इस पर जाना है और इसे थोड़ा जूम करके आपको इसे फुल स्क्रीन में आपको इसे सेट कर देना कुछ इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है और इसे भी लॉक कर देना है। तो ये दो चीज़ गाइस हो चुका है। तो गाइस इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पर जाना है, देन आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको एक ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो लेना है, जो कि मेरे इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके का आपका जो ग्रीन स्क्रीन है इफेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है और इसे फुल स्क्रीन में सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रीन स्क्रीन पर आपको एक बार क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, जो कि ये है हमारा यहाँ आपको मिलता है क्रोमा की का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। गाइस आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपका क्रोमा मतलब आपका जो ग्रीन स्क्रीन है, अगर आपका ग्रीन स्क्रीन है तो आपका की कलर भी आपका ग्रीन होना चाहिए। आपको इसे सेलेक्ट करना है ग्रीन में, तभी आपका क्रोमा की इनेबल होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, आपका तो ये क्रोमा की इनेबल हो चुका है, अब आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस आपको सबसे पहले एक बार इसे ओपन करके देख लीजिए कि आपके सेट हुआ है कि नहीं। तो गाइस थोड़ा इसमें ग्रीन टाइप का दिख रहा होगा, तो आपको इसे एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। तो इसे एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा, तो ये हो चुका है एडजस्ट, तो आप भी कर लीजिएगा। तो और एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं, तो ये हमारा अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, अब गाइस आपको एक PNG सेलेक्ट करना है, जो कि इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस मैंने जो भी मटेरियल का यूज किया, जो भी इस चीज़ में स्टेटस में अपना यूज किया, सारा चीज़ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको लेयर पर आके मीडिया पर आना है। मीडिया में आने के बाद आपको PNG सेलेक्ट करना, जो कि नवरात्रि वाला, तो ये है कमिंग सोन वाला नवरात्रि। आपको इसे थोड़ा जूम कर लेना है और इसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा पहला PNG सेलेक्ट हो गया है। अब आपको दोबारा PNG सेलेक्ट करना है, जो कि दूसरा वाला। तो आपको फिर लेयर पर जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको ये जो PNG इसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ आपको इस तरीके से इसे बड़ा कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस ये हो गया एडजस्ट। तो गाइस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने पर आपको इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट में आपको एक ग्लिची वाला इफेक्ट मिलेगा, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है काइनमास्टर में, तो गेट मोड में जाके आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ सारा चीज़ स्टोर है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको ये इफेक्ट ले लेना है और इसे आपको क्या करना है गाइस, आपको इसे फुल स्क्रीन में सेट कर लेना है।
तो इसे आप थोड़ा जूम कर लीजिएगा और इसे फुल स्क्रीन में आपको एडजस्ट कर लेना है, पूरा फुल स्क्रीन में आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो एक बार आप ओपन करके देख लीजिए कि आपका जो ग्लिची है इफेक्ट वो किस तरीके से दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपका दिख रहा है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको फिर से अपना इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है ग्लिची के ऊपर पर, उसके बाद आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसे आपको वन पर रखना है और आपको नीचे क्वालिटी वाला आपको 10 पर रखना है, जो कि मैंने रख लिया 10 पर। तो अब आपका इफेक्ट थोड़ा इस तरीके से दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका शो होने लगेगा। तो गाइस ये हो चुका है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें और इफेक्ट डालना है जो कि साउंड वाला, साउंड के साथ इफेक्ट है, तो इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको आपको क्या करना है गाइस, लेयर पर जाके मीडिया पर जाना है, मीडिया में जाने के बाद आपको ये इफेक्ट ले लेना है और इसे आपको फुल स्क्रीन में सेट कर लेना कुछ इस तरीके से। जब आपका सेट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर से आपको उसी इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको नीचे आना, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, जो कि ये है ब्लेंडिंग, इस पे आके आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर आपको इसे क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरीके से आपका शो होने लगेगा, आप देख पा रहे होंगे। तो बस आपका इतना हो चुका है, अब आपको क्या करना है, आपका इतना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपका जो दो पीक है उसका बीच में आपको मिलता होगा ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालने का, तो उस पर आपको क्लिक करना है डब्बे के ऊपर पर। उसके बाद आपको ये इफेक्ट डाउनलोड करना है, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो गेट मोर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ सारा स्टोर है आपको, आप एक बार इसे नाम देख लीजिए इस इफेक्ट का और आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस इस इफेक्ट में एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो सेकंड वाला इफेक्ट है उसे क्लिक करना है, जो कि कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। तो ये हो गया गाइस, और आपको अभी क्या करना है, आपको बस आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, आपका बस अभी थोड़ा आपको एडजस्ट करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा इसे और थोड़ा इसे बढ़ा लीजिए, और आपका ये जो है सेकंड वाला इसे भी थोड़ा आप बढ़ा लीजिए इसका लेंथ को। और अब आपको क्या करना है, आपको हल्का से इसे स्लाइड करना है, और देखिए गाइस आपका जहाँ पर ये जो ब्लैक वाला जो आपका जहाँ डाउन होता है बस वहाँ तक आपको इसे रुक जाना है थोड़ा सा। और गाइस थोड़ा सा आपका जहाँ ये जैसे कि मेरा यहाँ पर गाइस यहाँ पर मेरा रुक जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर रुकना है। और गाइस क्या करना है, आपने जो PNG और आप ग्लिची वाला इफेक्ट इसमें ऐड किए हैं उसे आपको कटआउट करना है, जो कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अपने PNG को मतलब आपके टेक्स्ट के ऊपर में कैंची के ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है, तो आपका पीछे का जो भाग है मतलब पीछे का जो हिस्सा है वो कट जाएगा। और इसको भी इसी तरीके से आपको कटआउट करना है, तो कैंची के ऊपर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करना है, ना कि आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट करना, नहीं तो आपका जो स्टेटस है वो बेकार हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस इफेक्ट को भी आपको कुछ इसी तरीके से करना है, कैंची के ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना। तो अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो इफेक्ट मतलब कुछ इस तरीके से आपका शो होगा। तो आपका इतना हो चुका है गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आपको सही से एडजस्ट करना, जो कि आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपका जो स्टेटस है वो दिखने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस मतलब आपके स्टेटस पर आपको एक बॉर्डर लगाना, जो कि इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने पर गाइस आपको वो बॉर्डर मिल जाएगा जो कि ये है। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करने से फुल स्क्रीन में सेट कर देना है। तो अभी आपका जो स्टेटस है कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा, तो आप देख पा रहे होंगे आपका जो ये है तो आ चुका है बॉर्डर। तो आपको बॉर्डर का लेंथ को थोड़ा इसे, तो गाइस इसे बॉर्डर को, तो आपका जो बॉर्डर है कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। तो बस आपको देखिए आपका जो स्टेटस है कुछ इस तरीके से आपका दिखने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है गाइस, आपका तो स्टेटस बन के कम्प्लीट हो गया है, आपको एक बार मैं इसे ओपन मतलब इसे मैं साउंड के साथ आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं स्टेटस को दिखाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका जो ग्रीन स्क्रीन इस पर आपको एक साउंड मिल जाता है, जो कि आपको इसे म्यूट करना, तो इस तरह से आप इसे म्यूट कर लीजिएगा, वरना आपका डबल मतलब आपका दो आपका साउंड आपको सुनने को मिल जाएगा। तो अब हो चुका है पूरी तरीके से तैयार, तो अब आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना गाइस, आपको इसे 15 सेकेंड तक आप इसे रख सकते हैं, बस 15 सेकंड तक रखिए, आपका इतने ही बहुत काफ़ी है गाइस, आपका इतने ही में अच्छा लगेगा। तो गाइस आप इसे 15 सेकंड तक रखिएगा बस इतने ही, तो आपका जो बॉर्डर है उसे भी थोड़ा इसे बढ़ा लीजिएगा इसकी लेंथ को। तो आपका जो स्टेटस है थोड़ा इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस अभी मैं आपको एक बार इसे साउंड के साथ ओपन करके दिखा देता हूँ। Bye.
गाइस हमारा जो नवरात्रि वाला कमिंग सून स्टेटस है वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसे सेव करने के लिए आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा, शेयर पर आपको जाके FHD 1080p में आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। जब तक गाइस हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होता है तब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं आगे भी जब भी इस तरीके के वीडियो लेकर आता रहूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।